जिसका नेम है मैंगनीज आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ के क्या पदार्थ, तो वही पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मैटर। तो इस चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ जो भी मैटर्स हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सब क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हो जाता है कि मैटर क्या, कि मैटर की डिफिनीशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ मैटर, तो आप मैटर की डिफिनीशन बताएंगे। तो मैटर क्या होता है कि नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल समझना चाहें तो मैटर में आप दो चीज़ें ध्यान रखें। दो चीज़ें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका मास होता है, और मास होने के साथ साथ इसके पास ऑक्यूपाइज स्पेस होता है। दो चीज़ें ये जरूर आप ध्यान रखें कि मैटर क्या है। अगर नॉर्मल आप बताना चाहें तो जिसके पास मास या ऑक्यूपाइज स्पेस, जो एक नॉर्मल सा स्थान घेरता है, जो स्पेस होता है, स्पेस पर ही किसी मैटर को आप रख सकते हैं, कोई भी मैटर हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहीं पर रखना चाहूँगा, तो ये जब कहीं पर रखा जाएगा तो ये इतना सा स्पेस तो घेरेगा ना। ऐसे इसको रखा तो इसने कितना स्पेस घेरा, इतना हुआ, फिर इतना ये स्पेस हुआ। तो इसकी डिफिनीशन आप नॉर्मल बताना चाहें कि मैटर इज द सब्सटेंस, मैटर वह पदार्थ है, मैटर इज द सब्सटेंस विच है मास, जिसके पास इसको अगर हिंदी में बोलना चाहें तो मास को हम लोग भार बोलते हैं। लेकिन आप नॉर्मल ऐसे समझें कि मैटर इज द आवर सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैंने अभी बताया कि मैटर में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कि उसके पास मास होता है और दूसरा ऑक्यूपाइज स्पेस, को एक स्पेस को घेरता है जहाँ पर भी मैटर को रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ही अगर कहीं पर खड़ा हूँ तो एक स्पेस होगा जिस स्पेस पर मैं खड़ा होऊंगा, ऐसे हवा में दौड़ नहीं रहा होगा, ठीक। तो मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर आप ले लीजिए, वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। टिनी पार्टिकल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, जैसे आप रोटी ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उस सब्सटेंस में, जैसे मान लीजिए वाटर, तो वाटर में भी तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, या उसको हम लोग टिनी पार्टिकल्स बोल सकते हैं। देखिए कैसे वाटर होता है, वाटर को आप क्या करिए, एक ग्लास में आप ऐसे कर उसको फिल कर देंगे। जब इसमें आप वाटर को भर देंगे, अगर आप अभी गौर से देखें तो इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो राउंड शेप में ऐसे ऐसे मूव किया करते हैं, ऐसे ऐसे कहीं इधर उधर मूव किया करते हैं। तो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको शो होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यानी कुल मिला कुल टोटल अगर आप इतना बोलना चाहें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, तो डेफिनेशन हम लोग एकदम सिंपल है। कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैटर की डिफिनीशन याद हो गई होगी। फिर से एक बार, मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अभी बताया टिनी पार्टिकल्स मतलब कोई भी आप ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड रोटी ले लीजिए, उसमें भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स से ही तो मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है कौन, मैटर। तो मैटर की डिफिनेशन समझ में आ गई। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो जाता है, कोई भी मैटर आप ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कोई भी मैटर, साइकिल, हर एक चीज़ जितना भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है, सारी चीज़ें क्या मैटर है। तो पहला एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नोटबुक, पेन, एयर भी मैटर होता है। क्यों होता है मैटर क्यों है, इसलिए है कि मैटर में भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, मैटर होगा। क्यों, क्योंकि मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अब आपको लग रहा होगा एयर में टिनी पार्टिकल्स कहाँ पर दिखते हैं, अगर कभी आपने गौर किया हो कहीं से सनलाइट जब आती है,
जब कहीं से सनलाइट आएगी, तो सनलाइट आने पर क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर ऐसे कहीं पर बना हुआ है, तो जब सनलाइट आती है तो सनलाइट आने पर क्या होता है, मान लीजिए ये सन, ठीक है सन। अब इससे क्या हुआ, सनलाइट आती है, जब सनलाइट ऐसे चलती है तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ऐसे राउंड शेप में देखते हैं कि ये मूवमेंट किया करते हैं। अगर कभी आपने गौर किया हो तो ये इधर की ओर ऐसे मूवमेंट किया करते हैं। तो जब सनलाइट पड़ती है तो एयर में भी स्मॉल पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स किसमें है, एयर में, इसमें। और एयर यानी एयर भी क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनी हुई है, इसलिए एयर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। जैसे नोटबुक, पेन, एयर और वाटर, एटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की, मैटर के कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी मैंने बताया कि आप जैसे वाटर को ग्लास में भरते हो, ग्लास में आकर वो इसको भरो, तो जब आप ग्लास में इसको भरोगे तो सारे जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो देखो मूव किया करते हैं कंटिन्यू, के इधर से इधर, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड मूव करते हैं कि नहीं। आप क्या करिए, ग्लास लीजिए, ग्लास में आप पानी डालिए और उसको आप देखिए, तो उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो परमानेंट राउंड किया करते हैं, कहीं इधर से इधर मूवमेंट किया करते हैं। अगर आप कभी गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो पहला हो जाता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये लगातार मूविंग करते हैं कंटिन्यू। दूसरा हो जाता है दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे आपने वाटर क्या किया है, ग्लास में भरा, तो जितने भी इसमें सेम पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करते हैं, एक दूसरे को, ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से ऐड होते हैं। जितने भी वाटर में पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से ऐड होते हैं। तो उसी से हमारा पॉइंट बन जाता है कि दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। अभी बताया कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये पॉइंट बना कि दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड हो जाता है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी पॉट में अगर हम क्या करते हैं कि वाटर को फिल करते हैं, तो इसके बीच में अगर आप देखिए जब ये मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा सा ये यहाँ पर स्पेस होता है। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसको, कि ये इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता क्या है, उसको मैं अगले टॉपिक में क्लियर करूँगा। अभी आप केवल इसमें समझ लीजिए कि दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, उसी से ये पॉइंट बना हुआ है कि दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो ये बात हो गई हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हालांकि और भी होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसको बताएंगे, अगर इकट्ठे सारे बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड सबको पता होगा, सॉलिड का जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो सॉलिड में भी क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल सारे एक दूसरे से क्या होंगे, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे, और इनके बीच एक भी इनके बीच स्पेस नहीं होगा इनके बीच, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक। यानी सॉलिड, अगर सॉलिड की बात करें, अगर सॉलिड के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, डिफरेंट स्पेस होता है, डिफरेंट स्पेस, यानी इसके पास एक नॉर्मल सा स्पेस होता है, इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल में इसके पास क्या होता है, डिफरेंट स्पेस। जैसे ये सॉलिड है, इसका स्पेस है ना, एक स्पेस है, यानी इसको कहीं रखोगे तो ऐसा तो नहीं है ये चेंज हो जाएगा कहीं पर रखने पर, इसका एक डिफरेंट स्पेस रहता है, ये जैसा भी है अगर मैं कहीं रखूँगा तो वहाँ पर भी है ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो डिफरेंट स्पेस की बात हो गई, इसके बाद डिफरेंट वैल्यूम, इसका वैल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा, डिफरेंट रहता है, ना कम होगा ना ज़्यादा, जितना ये है उतना ही बना रहेगा। कोई भी आप मैटर ले लीजिए, उसका वैल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता है। तो दो चीज़ें हमने देखी, डिफरेंट शेप और डिफरेंट वैल्यूम। इसके बाद आ गया लिक्विड में, इसका दूसरा टाइप क्या होता है, लिक्विड। फर्स्ट हमने पढ़ा सॉलिड, सॉलिड में सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत हाई लेवल के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, और इनके बीच एक भी इंटरमॉलिकुलर स्पेस
लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें तो इसमें लिखा हुआ मैंने डी, डी का मतलब है डिफिनिट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, डी का मतलब डिफिनिट है, नो डिफिनिट स्पेस, यानी इसमें क्या होता है कि इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, आकार सेम नहीं होता है। जैसे क्या किया, वाटर लिया आपने, वाटर को आपने बॉटल में फिल कर दिया तो बॉटल के सेम का हो गया, आपने बाल्टी में उसको अगर आपने बकेट में उसको क्या किया डाल दिया तो बकेट का सेम का हो गया, आपने क्या किया उसको ग्लास में डाल दिया तो ग्लास का सेम का हो गया। कौन, वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर किसमें आता है, लिक्विड में आता है, तो लिक्विड में पहला हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक नो डिफिनिट स्पेस, इसका जो स्पेस है वो एक समान नहीं रहता है, डिफिनिट नहीं रहता है। अभी बताया कि वाटर को क्या करो ग्लास में डाल दो, ग्लास का सेप ले लेगा, आप किसी भी पॉट में डाल दीजिए, किसी भी आप जिसमें आप वाटर को फिल करोगे वो उसी टाइप का सेप क्या कर लेता है, बना लेता है। लिक्विड में पहला होता है नो डिफिनिट स्पेस, दूसरा डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। आप बॉटल में पानी को करोगे तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो तो उतना ही रहेगा, आप उसको किसी बकेट में करेंगे तो पानी का कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं पानी का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, तो दो चीज़ें, सबसे पहला नो डिफिनिट स्पेस, इसके पास स्पेस जो है वो डिफिनिट नहीं रहता है, दूसरा डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का ज़्यादा नहीं होता है, दूसरा गैस, सॉरी तीसरे नंबर में आ गया गैस, गैस में क्या है नो डिफिनिट स्पेस, इसके पास डिफिनिट स्पेस नहीं होता। क्यों, गैस देखा होगा सिलेंडर वाला जो घरों में आता है तो उसमें क्या होता है इस साइज में ऐसे सिलेंडर बना होता है तो उसके अंदर गैस होती है, अगर उससे गैस निकाल दी जाए, कभी कभी देखा होगा निकलती भी है, तो जब गैस निकल जाएगी तो गैस निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगी इधर की ओर, जैसे ही बाहर की ओर निकलेगी तो जैसे ही बाहर निकलेगी तो क्या सेम वो सिलेंडर के आकार का बनाएगी, नहीं वो तो बिखर जाएगी चारों तरफ। ठीक, तो जो गैस होती है उसका भी कोई सेम नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अगला डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम होता है ये कम ज़्यादा नहीं होती है, इसका वॉल्यूम एक जो होता है वो डिफिनिट होता है। कुल मिला के हम लोगों ने टोटल में तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की बात करें डिफिनिट स्पेस और डिफिनिट वॉल्यूम, इसमें दोनों डिफिनिट होते हैं, लिक्विड में नो डिफिनिट स्पेस और डिफिनिट वॉल्यूम, यानी इसमें नो डिफिनिट होगा और इसमें डिफिनिट में वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम होगा। गैस की बात करें तो नो डिफिनिट से, गैस में क्या है नो डिफिनिट से, अभी बताया कि गैस कहीं पर भी जाएगी तो अपना सेप जो है वो जिस जैसे उसका मन होगा वैसा सेप बना लेगी, आप सिलेंडर में सिलेंडर में जैसा सेप, अदरवाइज जहाँ पर भी जाएगी अलग से बनाएगी। और डिफिनिट वॉल्यूम, तो डिफिनिट वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता। तो इतनी सारी चीज़ें भी हमने नॉर्मल देखी है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अगर थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं यहाँ पर इकट्ठा पूरा एक चैप्टर बता दूँ तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, इसलिए दो दो तीन तीन चीज़ों को हम लोग अच्छे से जानने करते चलें और इसको फेयर में भी आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ